का आगाज कुरान करीम की तिलावत से फरमा रहे थे। हम लोग अल्लाह के मुकद्दस कलाम को बगौर समात फरमा रहे थे। कुरान करीम के हवाले से क्या खूब कहा है किसी कहने वाले ने कि अल्लाह के कलाम से उल्फत करेगा कौन, अल्लाह के कलाम से उल्फत करेगा कौन, नाविल अगर पढ़ोगे तिलावत करेगा कौन, बच्चों को इल्मे दीन पढ़ाते रहो वरना इस कौम की बताओ इमामत करेगा कौन, इस कौम की बताओ इमामत करेगा कौन। एक अल्लाह का बंदा ये कहता हुआ नजर आता है कि घर में अल्लाह के कुरान की तिलावत भी करो, घर में अल्लाह के कुरान की तिलावत भी करो, सिर्फ तावीज से बरकत नहीं आने वाली, सिर्फ तावीज से बरकत नहीं आने वाली। ये अल्लाह का मुकद्दस कलाम पूरी कायनात के लिए रहमत है, बरकत है, तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। लिहाजा हम सबको कुरान करीम की तिलावत करना चाहिए, कुरान करीम से मोहब्बत करना चाहिए, कुरान करीम के अहकामात पे अमल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे तमाम मसाइल को हल कर देगा जब कुरान से मोहब्बत करेंगे, कुरान करीम के अहकामात पे अमल करेंगे, हमारी तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अल्लाह के मुकद्दस बंदे अंबिया अलैहिस्सलाम और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो मुकद्दस जमात जिन्हें अस्हाबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से याद किया जाता है, इस मुकद्दस कलाम के हवाले से उन्होंने बहुत सारे मसाइल अपने हल किए हैं और इस मुकद्दस कलाम को जिस जानिब लेकर के निकल गए दुनिया वालों ने इस्तकबाल किया है, दुनिया वालों ने अमन दिया है, दुनिया वालों ने उनकी बातों पे भरोसा किया है। लिहाजा हम सबको कुरान करीम के अहकामात पे अमल करना चाहिए, कुरान करीम की सुबह उठकर की तिलावत करना चाहिए, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाना चाहिए, दीनी तालीम देना चाहिए। इसी के अंदर इस कौम की भलाई है और फलाह व बहबूद है। दोस्तों खूबसूरत हम्द सना कुरान करीम की तिलावत की शक्ल में हो चुकी है, जलसे का आगाज कुरान करीम के हवाले से हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र खैर के बाद आपको मालूम है आपने जिसका कलमा पढ़ा है वो जात मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात है। इस बाबरकत मजलिस और जलसे सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खूबसूरत तज़करा उसका होना जरूरी नहीं बल्कि फर्ज आयन है। आदम के फर्जंदों पर आदम की किसी औलाद का इतना बड़ा एहसान नहीं है जितना बड़ा एहसान मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कायनात पे है, कायनात के जर्रे जर्रे पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस दुनिया में तशरीफ ना लाते तो ना ये जमीन होती, ना ये आसमान होता, ना ये चांद होता, ना सूरज होता, ना सितारे होते, ना कहकशां होता, ना समंदर होता, ना दरिया होते, ना सहरा होता, कुछ भी नहीं होता। ये जो कुछ भी दुनिया में है, आलम में है, कायनात में है, कायनात का जर्रा जर्रा है, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से दुनिया वालों को मयसर आया है। लिहाजा उस मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर किया जाए और उस जात का जिक्र और उसकी नात गुनगुनाने के लिए वैसे हमारी फहरिस्त में हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शोराए कराम तशरीफ कुछ ला चुके हैं, कुछ रास्ते में हैं, इंशाल्लाह वो आ जाएंगे, वो भी स्टेज पे नहीं आए हैं। हमारे दरमियान एक छोटा सा हाफिज कुरान, मेरी मुराद है अजीजम जनाब यहया जली सल्लमहू, जो कि कस्बा बरवर से तशरीफ लाया है। मैं
नाते रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए ये कहते हुए उसको जहमत देना चाहता हूँ कि जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकते या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकते, मैं अगर साथ समंदर भी नुचोड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकते। तशरीफ लाएं और खूबसूरत अंदाज में नजराने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं चार मिसरे हाजिर करता हूँ बतौर खास, मुलाजा फरमाए। एक बार मैं चल कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, पेश करता हूँ। रसूल है लंदन है दिल में लापे घर, लंदन है दिल में लापे घर, शहरे रसूल है आका फिर तेरा जाना फजूल है, आका के दर पे फिर तेरा जाना फजूल है। और ये शेर बतौर खास, कैसे बूटे गुल वहाँ, कैसे हैं बूटे गुल वहाँ, ये छोड़ दीजिए फूल है, मैंने सुना मदीना कांटा भी फूल है, जाना अदब से और अकीदत से और जाना तब से और अकीदत से मांगना, दौलत दौलत मेरे रसूल ने, जाना अदब से औरे, जाना अदब से औरे अकीदत से मांगना, उस सरे जमीन पे सबकी इबादत कबूल है, उस सरे इबादत कबूल है। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ बतौर खास, मुलाजा फरमाए। ये बार मचल कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, पेश करता हूँ बतौर खास। ईमान
दौलत से तुम क्या खरीदोगे ईमान मेरा दौलत से ईमान मेरा दौलत से तुम क्या खरीदोगे दौलत दौलत मेरे रसूल के कदमों की धूल है धूल है। अस्सलाम वालेकुम।